ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हमीरपुर द्वारा बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में नाल्टी के मुख्य बाजार में विरोध प्रदर्शन किया गया और एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया, जिसके अगुवाई पूर्व विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस महासचिव अनीता वर्मा एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सुरेश पटियाल द्वारा की गई। अनीता वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिन प्रतिदिन बढ़ाए जा रहे पेट्रोल डीजल एवं घरेलू गैस के दाम एक चिंता का विषय है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से हर वस्तु के दाम बढ़ते हैं। इस महामारी के दौर में वैसे ही हर व्यक्ति परेशानियों के दौर से निकल रहा है और ऊपर से ये अतिरिक्त बोझ जो जनता के ऊपर डाला जा रहा है वह सीधा सीधा जनता की जेब पर डाका है, जिसका कांग्रेस पूर्ण रूप से विरोध करती है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा इन विकट परिस्थितियों में जहां जनता को कुछ राहत प्रदान करनी चाहिए थी, जिसमें वे पूर्ण रूप से असफल हुए हैं और इन परिस्थितियों में भी बिजली के दाम एवं वाहन पंजीकरण फीस बढ़ाकर जनता पर आर्थिक बोझ डाला गया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों ही महंगाई पर तेल का तड़का लगाने में लगी है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश व केंद्र सरकार से ये मांग करती है कि इन बढ़ाए हुए दामों को शीघ्र अतिशीघ्र वापस लें, अन्यथा कांग्रेस सड़क से संसद तक इसका विरोध करेगी। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रधान सुरेश पटियाल, बीडीसी अश्विनी कुमार, अनिल वर्मा, राजेश, आरसी डोगरा, सुबेदार, रोशन लाल, रतन चंद, प्रीतम चंद, चंपा देवी, प्रधान बारी फरनौल, पुरुषोत्तम काकू, दिनेश, मंजीत, अशोक, केडी शर्मा आदि उपस्थित रहे। आगामी इसके विरुद्ध आपका कोई कार्यक्रम, अभी महंगाई के खिलाफ ही है आपका प्रदर्शन, कुछ और भी है इसके बीच? ये जो हमारा प्रदर्शन है, ये हर ब्लॉक को हिदायत दी गई थी ऊपर पीसीसी से कि इसकी कीमत बढ़ चुकी है और डीजल ऐसे पदार्थ है जिसको एक किसान भी इस्तेमाल करता है, जिसे एक टेम्पो वाला, ट्रक वाला या छोटा वाहन चलाने वाला ही उसको इस्तेमाल करता है। और आज वो दिक्कत में है कि अगर इतनी महंगाई हो गई है तो हम जो चीज़ें लाद कर लेके जाएंगे तो उसकी महंगाई भी वैसे ही बढ़ेगी। आज सोने का जो मूल्य है 50,000 तोला हो गया है, वो महिलाओं के लिए भी बहुत कष्टदायक है कि इतना जो कीमत बढ़ चुकी है हर चीज़ की, उसमें आज लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। नौकरियां चली गई हैं, लोग नौकरियां छोड़कर हिमाचल में आ गए हैं, लोगों के पास कोई भी मजदूरी का भी कोई काम नहीं है, ना वो कर सक रहे हैं, तो वो कहाँ से पैसे निकालेंगे और कहाँ से इन कीमतों का पूरा वो भुगतान करेंगे। इसी करके हमने ये आवाज़ उठाई है, हम गांव-गांव जा रहे हैं इस आवाज़ को उठाते हुए कि महंगाई जो है ये बहुत हमें खारी है, सरकार को इसके ऊपर दृष्टि देनी चाहिए। मुझे हैरानी है कि मोदी साहब ने सिर्फ 5 किलो चावल जो है वो लोगों को मुफ्त देने का एक प्रस्ताव रखा है, लेकिन मैं समझती हूँ 5 किलो चावल आज एक हिंदुस्तान के किसी भी परिवार के लिए काफ़ी नहीं है। उसमें अगर वो एक नकदी रूप से कुछ ना कुछ गरीब परिवारों को दे दें तो उससे वो परिवार सिर्फ राशन नहीं खरीद सकता, दूसरी जरूरत की चीज़ें भी हैं जो खरीद सकेगा। तो हम यही एक आवाज़ उठाते हुए आज नाल्टी आए हैं, तो हमें शुक्रिया है सारे नाल्टी वालों से कि उन्होंने हमारा साथ दिया। ये जो चाइना के साथ कंफ्लिक्ट चला है और ये जो सुनने में आ रहा है कि कुछ ऐप्स बंद किए हैं, आपके इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो ऐप्स बंद किए हैं, हम समझते हैं कि भाई ठीक है, हमें भी चाइना के माल को छोड़ देना चाहिए, उसको नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि आज इन्होंने हमारे जो लोग हैं उनको जो चाइना और हिंदुस्तान का बॉर्डर है वहाँ पे एक झपट में उन्होंने शहीद कर दिया। हमें रोष है, हमें गुस्सा है, हमें ये भी गुस्सा है चाइना के साथ कि वो हरदम यही कहता है कि हम आपके दोस्त हैं, लेकिन बाद में वो हमें पीठ पर छुरा पहुँचता है। लेकिन हमारी भारत की सरकार को एकदम एक ऐसा कदम उठाना चाहिए कि वो वाकई चाइना से थोड़ी दूरी रखे, जब तक रख सकते हैं, ताकि चाइना को भी महसूस हो कि उनके बगैर हम आत्मनिर्भर हैं। सिर्फ आवाज़ आत्मनिर्भर की उठाना ही पूरी नहीं है, उसको दिखाना और उसको ठीक रूप से धरती पर लाना बड़ा ज़रूरी है, ताकि लोग स्वयं अपनी सारी चीज़ें ऐसे ऐप से लेकर हर चीज़ जो है वो हिंदुस्तान में ही तैयार करें और हिंदुस्तानी ही उसको इस्तेमाल करें।